फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मूंग को कैसे आसानी से अंकुरित करते हैं ये तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो एक मूंग को हमने कपड़े में बांध के अंकुरित किया है और दूसरा हम बोतल में डाल के अंकुरित किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके को आप लास्ट तक देखिए, इसे हम डाइट में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये मूंग अंकुरित करने की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम मूंग को अंकुरित करना बताते हैं। मूंग को जल्दी अंकुरित कैसे करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रेश मूंग लेना है, यानी कि दाना पौष्ट होना चाहिए, इसमें कीड़े नहीं लगे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम मूंग को साफ कर लेंगे और इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना हम मूंग लेंगे उसके ट्रिपल हम पानी डालेंगे, यानी कि मूंग अच्छे से डूब जाने चाहिए। तो पानी को हम भरपूर मात्रा में डालेंगे। पानी डालने के बाद हमें मूंग को छेड़ना नहीं है, इसे हम 6 से 8 घंटा के लिए छोड़ देंगे। यानी कि मौसम पे भी डिपेंड करता है, गर्मी का सीजन हो तो थोड़ा जल्दी फूल जाता है, ठंडी हो तो 1 से 2 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक ढक्कन से ऐसे कवर करके और छोड़ देंगे। फिर हम 8 घंटा बाद आपको बताएंगे क्या करना है। 8 से 9 घंटे हो गए हैं, अब हम कवर हटा के मूंग चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मूंग अपनी जो है एकदम परफेक्ट फूल गई है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा बॉल लेंगे और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख के इसे छान लेंगे। मूंग को हमने छान लिया है, अब हम इसे फ्रेश पानी से धो देंगे, क्योंकि जिस पानी को हम 8 से 10 घंटा मूंग के साथ रखते हैं वो पानी से थोड़ा सा अलग सा गंध आता है। तो हम इसे अच्छे पानी से ऐसे धो लेंगे और पानी को एकदम निकाल देंगे। मूंग को हमने छान लिया है, तो हम मूंग को आपको 2 तरीके से अंकुरित करना बताएंगे जिससे मूंग जल्दी अंकुरित हो जाए। तो पहला तरीका है, हम एक कवर वाला डब्बा लेंगे और उसके ऊपर एक कॉटन क्लॉथ रखेंगे, कोई भी कपड़ा हो, हम यहाँ पे एक कॉटन रुमाल ले रहे हैं और उसमें हम आधा मूंग को डाल दे रहे हैं। तो ऐसे हम मूंग को डाल के और कपड़े को चारों तरफ से ऐसे ढक देंगे और इसके ऊपर हम कवर लगा के 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर हम आपको बताएंगे अपनी मूंग कैसे अंकुरित हुई है। अब हम आपको दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। तो हम एक पेप्सी का खाली बोतल लेंगे जिसे हम अच्छे से धो लेंगे और इस बोतल में हम मूंग को अंदर भर देंगे। तो ऐसे हम आसानी से इसे भर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है। मूंग को हमने बोतल में भर लिया है, अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। ध्यान रहे बोतल एकदम साफ होनी चाहिए और इसे भी हम कोई गर्म जगह पे 8 से 10 घंटा के लिए छोड़ देंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि अपनी मूंग कैसी अंकुरित हुई है। 14 घंटे हो चुके हैं, अब हम मूंग चेक करेंगे कैसे अंकुरित हुआ है। तो आप बोतल वाली मूंग देखिए, सारे मूंग में अंकुरण आ गए हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल के और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं सारे मूंग में अच्छे से अंकुर निकल आए हैं। अगर इसे आपको ज्यादा जमाना है तो और 8-10 घंटा पानी का छिड़काव करके रख सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़े बड़े अंकुर आ जाएंगे। अब चलिए हम दूसरा मूंग चेक करते हैं।
अब हम ढक्कन हटा के इसे चेक करेंगे। कपड़े हटाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, सारे मूंग में अच्छा सा अंकुर आ गया है। तो बस हमें और अंकुरित करना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके हम 2-4 घंटा और रखेंगे, तो इसके अंकुरण बड़े बड़े दिखेंगे। इसे भी हमें कटोरी में निकाल ले रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से दोनों तरीके से हमने मूंग को अंकुरित कर लिया है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उसे अपनाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये मूंग अंकुरित करने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।